हेलो एनएस स्टूडेंट, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस, आपका अपना एनएस का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से हमेशा आपको सटीक और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आज आपके लिए हम एक और सुपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर आपका रिजल्ट में अगर आपकी टीएम में एब्सेंट की प्रॉब्लम है तो हम उसका क्या है आपको पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए, सबसे पहला क्या है, रिजल्ट में आपके टीएम में एब्सेंट है तो इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो बच्चा या तो फेल हो सकता है या परसेंटेज बहुत कम हो सकती है। और इसमें भी फर्दर दो आपके तरीके निकल के आते हैं कि टीएम में या तो आपने सबमिट ही नहीं किया है या सबमिट किया है लेकिन मार्क्स जो है आपके नहीं आ रहे हैं। तो आज सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहला क्या है, अगर आपने सबमिट टीएम में जो है कर रखा है लेकिन अपडेट नहीं है, तो आप सीधा अपने स्टडी सेंटर पर, रीजनल सेंटर पर या नोएडा हेडक्वार्टर में जाके आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके पास में पड़ता है, कि सर हमने जो है टीएम में जो है सबमिट किए थे लेकिन हमारे मार्क्स शो नहीं हो रहे, तो वो अपने आप आपको सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि सारी पावर्स जो है स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर के हाथ में। क्या पता आपके जो टीएम में वहां पे पड़े हो, तो आपका अभी रिजल्ट आने में बहुत टाइम है, इस बीच में आपका रिजल्ट अपडेट हो सकता है डेफिनेटली। अब हम चलते हैं कि देखिए, टीएम में की वजह से कई बार बच्चे या तो क्या हो जाते हैं, पास तो हो जाते हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट जो है मार्क्स बहुत कम रह जाते हैं। दूसरा क्या है, या तो आप क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास ये टीएम में आपको सबमिट करने ही पड़ेंगे। अगर सबमिट नहीं करेंगे तो दोबारा इस रिजल्ट में कोई भी सुधार आने वाला नहीं है। तो हम बताएंगे कैसे सबमिट करना है और आपके पास क्या दो रास्ते हैं। अब आपका क्या है कि देखिए, बच्चे क्या करते हैं, टीएम में लेट हो जाए या कुछ भी हो जाए, 31 आपका जो है दिसंबर लास्ट डेट थी अब की बार, तो आप देख सकते हैं टीएम में क्या है, आप सबमिट कैसे करें। तो अप्लाई फॉर टीएमए का ऑप्शन होता है, तो इसमें दो तरीके हैं आपके, एक तो लेट फाइन फीस जाती है आपकी पर सब्जेक्ट की 1500, इसलिए बच्चे क्या करते हैं टीएमए अपडेट कराने नहीं जाते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट के अंदर मैं बता देता हूँ 80-90% सुधार होने का चांस नहीं है, इसलिए आप टीएमए जरूर सबमिट कराइए। अगर आपके रह गए फीस एनआईएस बहुत ज्यादा जो है करता है, लेकिन आप इसका जो है क्या सॉल्यूशन बता सकते हैं कि एनआईयूएस ने एजुकेट कम से कम स्टूडेंट्स को करना चाहिए, टीएमए के बारे में कई बच्चों को तो पता भी नहीं होता है। तो इसमें सीधी सी बात यही है कि आपका लेट जो फाइन लगता है वो 1500 रुपए, अगर 5 सब्जेक्ट है 7500 रुपए बहुत ज्यादा फीस हो जाती है, लेकिन हमने लास्ट जो है कुछ टाइम में ये देखा है कि अगर बच्चे डायरेक्ट रीजनल सेंटर या नोएडा हेडक्वार्टर जाते हैं और वहां पर जाके सबमिट कराते हैं तो लेट फीस नहीं मांगते हैं। तो आपके पास केवल ये रास्ता है कि आप क्या पता लेट फीस से बच जाओ, और रीजन अगर वहां कोई पूछे तो आप कोरोना या कोई भी अपना रीजन जो है बता सकते हो कि हमें सब पता नहीं था। तो इस तरीके से आपके लिए क्या है, आप लेट फीस से बच सकते हो। अब हम देखते हैं जो टीएमए सॉल्यूशन है, आप क्या कीजिए, अगर आप फीस जमा कर दी है, नहीं की है, आपने रीजनल सेंटर जाना है, तो आपको सबसे पहले सॉल्व टीएमए लेके जाने पड़ेंगे, पेमेंट प्रिंट लेके जाना पड़ेगा, नहीं है तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी वहां पर, तो उसके साथ आपने वहां से रिसीविंग लेके आना है। तो रीजनल सेंटर और हेडक्वार्टर में होता है, स्टडी सेंटर में सबमिट नहीं होता है अगर लेट फीस के साथ आप सबमिट कराते हो लास्ट डेट के बाद। तो देखिए, आपके साथ क्या होगा, जैसे 15 मार्च को रिजल्ट आया, 15 अप्रैल के बीच में 10 या 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, डेफिनेटली अपडेट हो जाएगा। और जो है आपका क्या होगा, फाइनल मार्कशीट जो है, यानी कि ये जो प्रिंट आउट है, आप ये मत सोचिए यही आपकी फाइनल मार्कशीट में आएगा, तो आप क्या करोगे, जो फाइनल मार्कशीट है वो आपकी क्या हो जाएगी, उसमें रिजल्ट अपडेट होके आ जाएगा, जो जो भी आपकी टीएमए एब्सेंट की प्रॉब्लम है। तो ये तो आपकी टीएमए एब्सेंट की प्रॉब्लम हो गई। अगर आपको कोई इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए या इस सॉल्यूशन के बारे में बताइए, जिससे उनकी भी टीएमए एब्सेंट की प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाए। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स गाइज़।